कोई जहर नहीं जो जहरीली माया ना बना सके। ये जहर भी तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक और जहरीली बूटी की कमी। अभी जाकर लेकर आना। रॉनी का हाथ अचानक हवा में रुक गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन जाम हो गई है। ये मोंटू के लिए सुनहरी मौका है। कमल मोंटू कैसे बचाऊं और क्यों बचाऊं? रोक दीजिए मुकाबला। बालवीर, ये सब क्या है? बालवीर कौन है ये? रॉनी, बुराई चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भरे, लेकिन अच्छाई के वार से उसे अंत में घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तुमने बेईमानी से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश की, लेकिन देखो अंत में तुम्हारी बेईमानी धरी की धरी रह गई। सावधान! विश्राम! बेईमानी मतलब चीटिंग? लेकिन कब, क्यों, कैसे, कहां? बालवीर सर, मैं आपको बताता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, रॉनी और प्रशिक्षक के हाथ में जो मुक्केबाजी के दस्ताने लगे हैं, वो कोई आम दस्ताने नहीं है, बल्कि उसमें एक यंत्र लगाया गया है। जिसकी मदद से प्रशिक्षक कमरे में रहकर जो कर रहे थे, वो यहाँ मुक्केबाजी में रॉनी भी कर रहा था। अच्छा, सर ठक्कर सर के बॉक्सिंग मैच में चीटिंग?
कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा रॉनी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। हाँ सर, रॉनी को इसकी सजा तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्रशिक्षक को भी। हे नटखट परी, इन दोनों ने की है बेमानी, इन दोनों की हो जमकर पिटाई। बाली जी, आज तक मैंने अपने आप को ही आपके हाथों से पीटते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी और को देख रहा हूँ। मेरी छोटी सी इच्छा है, प्लीज आप इन चीटरों को और पीटिए ना। क्या बोल रहे दोस्तों? प्लीज बाली कोई और नहीं। विश्राम। ऐसे बालवीर, क्या तो ये सब ठीक रहे हैं, हो ही जाए। ठीक है बच्चों, रोनी भाग, नहीं तो बहुत पिटाई होने वाली है। हाँ। सर, मैं भाग नहीं सकता, मेरे पैर चिपक गए। मेरे भी पैर चिपक गए। हे नटखट परी, बच्चों की ख्वाहिश ना जाए ठुकराई, इन दोनों की हो थोड़ी और पिटाई। सावधान विश्राम, क्योंकि आज के मैच में रॉनी ने चीटिंग का सहारा लिया है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और आज के विनर है मोंटू। Yes, sir. बालवीर, प्लीज वो हमें माफ कर दो। बालवीर, मुझे माफ कर दो, मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। मैं भी कभी नहीं करूंगा बालवीर। ठीक, तुम दोनों को माफ। फिर से हार बजाए जहर के। चुप करो दबा दबा, वरना मैं तुम्हें इस जहरीले बर्तन के अंदर डुबो दूंगी, समझे? क्षमा क्षमा परी भयंकर, क्षमा। कहाँ हो तुम जहरीली माया? जहरीली माया, जहरीली माया। जहरीली माया, जहरीली माया के इस जहरीले लोक में बुराई की रानी भयंकर परी का स्वागत है।
हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई जहरीली माया। ऐसा क्या हो गया भयंकर परी कि आपको जहरीली माया के पास आना पड़ा? अरे बिना मतलब के है, कहाँ जाती है? इसका मतलब है कि तुम्हारी जहर बनाने की कला मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे जहर बनाने की कला आपको यहाँ लाई है? तो बताइए क्या चाहती हैं आप हमसे? है चाहती देना परी भयंकर जहर? किसे जहर देना चाहती हैं? तौबा तौबा, तुम्हें? मुझे तुम्हारा मजाक पसंद आया। खुश हुई भयंकर परी, खुश हुई। क्या तुम्हारी जुबान की धार की तरह तुम्हारे जहर में भी धार है या? मेरा जहर? मेरा जहर मेरी जुबान से भी तेज और जहरीला होता है। बताइए कौन सा जहर चाहिए आपको? मुझे बेरंगी जहर चाहिए। बेरंगी जहर? हाँ, ऐसा जहर जिसे परिलोक की नदी के पानी में मिलाने से उसका रंग ना बदले और परियों को पता भी ना चले कि वो जो पानी पी रही है उसमें जहर मिला हुआ है। हाँ, अभी तो मेरे पास ऐसा जहर नहीं है भयंकर परी। लो, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं आपके सारे सिक्के खोटे। तबा तबा। लेकिन जहरीली माया आपसे वादा करती कि वो आपके लिए ऐसा बेरंगी जहर बना देगी। भयंकर परी खुश हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन जहरीली माया, तुम्हें जल्दी करना होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सही से मिलते हमने बालवीर को बुलाया, वरना रॉनी वो बॉक्सिंग मैच जीत जाता और बुराई की जीत होती। लेकिन हमारे बीवी ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तो हमें बड़ा मजा आएगा क्योंकि मोंटू तो अच्छा बच्चा बन गया और रॉनी रॉनी तो स्कूल छोड़ कर जा रहा है। मच्छरों, इतना खुश मत होना, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है ना उसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। अब देखो कल से मैं तुम लोग का जीना कितना मुश्किल कर दूंगा। कल से क्या, अब तू कभी भी इनका जीना मुश्किल नहीं कर पाएगा। शायद से तू भूल गया, शर्त के मुताबिक जो ये बॉक्सिंग मैच हारेगा उसे ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या हुआ, शर्त लगाकर शर्त भूल गया या इतना डरपोक है कि शर्त से पीछे हट रहा है? याद है, मुझे सब याद है। मैं भले ही बुरा हूँ लेकिन अपने उसूलों का पक्का हूँ। मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं लौट के आऊंगा। तू वापस आएगा ना तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास तुम्हारी टाइटर फिश करने वाला मोंटू है। जाते जाते पिज्जा बर्गर तो खिलाते जाओ। हाँ। अच्छा मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज खिलाऊंगा ना जो बहुत देर तक तुम्हारे पेट में रहेगा। सच बॉस, तो चलो जल्दी अभी खिलाता हूँ। ये जो मुक्के का दर्द है ना बहुत समय तक तुम्हारे पेट में रहेगा। जिंदगी में आज तक इतनी पिटाई कभी नहीं हुई।
पूरी बॉडी दर्द कर रही है। आउच। बस ये सोचकर दर्द थोड़ा कम हो रहा है कि वो बुरा रोनी स्कूल छोड़कर चला गया। आ, 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 तुम्हें क्या करना है? जाओ, तुम भी स्कूल छोड़कर चले जाओ अपने रानी बॉस के पीछे। जाओ। सॉरी बॉस, सॉरी, हमको माफ कर दो। बॉस, हम भी क्या कर दे? अब तो सच्चे और अच्छे बन गए। हाँ बॉस, और आपको तो पता है ना, सच्चे और अच्छे का तुम बिल्कुल नहीं होते। बॉस, अब हमने डिसाइड कर लिया है। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से हम भी सच्चे और अच्छे बनकर आपके साथ ही रहेंगे। नहीं। सॉरी बॉस, गुस्सा नहीं था। सचमुच लगा है? अरे गधो, मेरे कहने का मतलब था तुम सच्चे और अच्छे बच्चे नहीं बनोगे और ना ही मैं। सच्चा और अच्छा बच्चा बनने के लिए मानो मेरे के टाइप के लोग चाहिए। हाँ, ये हमारे बस की बात नहीं है। देखा कितनी पिटाई हुई है, पूरे एक हफ्ते तक ये बॉडी का दर्द कम नहीं होगा। वाह बॉस, अब तो लाइन पे आ गए। ये बात तो सच है कि मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चल के जीत गया, लेकिन मैं चीटिंग करके भी तो जीत सकता था ना। कम से कम मेरी इतनी पिटाई तो नहीं होती। अच्छा हुआ ये आपकी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई, कम से कम आपका दिमाग तो ठीक हो गया। हाँ? अच्छा बॉस, इसका मतलब है आप फिर से बुरे काम करोगे? अब सब बच्चों को सताओगे, उनका टिफिन छीनोगे, उनसे होमवर्क करवाओगे? हाँ। अरे 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 बॉस, कोई शक? सच्चे और अच्छे बच्चों, बच सकते हो तो बच लो, क्योंकि ये बुरा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी वापस आ गया है। रोहित केवल, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं मेरे बुरे काम की शुरुआत तो बच्चों की पिटाई करके करने वाला हूँ। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। कौन है वो खुश नसीब? तुम्हें जानना है? हाँ हाँ। वो दो खुश नसीब है, रोहित और केवल। बहुत उछल रहे थे ना? तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे छोड़कर तुमने उस रॉनी पोनी को अपना बॉस बना लिया। हाँ, बुला तुम्हारे पंखे को। भाग गए। परियों, हमने परिलोक में सुरक्षा कवच लगा दिया है, अब आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। भयंकर परी अब परिलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। रानी परी, सिर्फ सुरक्षा कवच लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि हमारे मजबूत से मजबूत सुरक्षा कवच का भी भेद भयंकर परी ढूंढ लेती है और फिर वो बड़ी आसानी से परिलोक में प्रवेश कर लेती है। प्रवेश कर लेती, लेकिन हर बार हमसे मुंह की खाती है वो। हाँ, क्योंकि बालवीर जो होता है उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन बालवीर हर समय परिलोक में तो नहीं रह सकता ना अटकाती परी, और इसी बात का फायदा भयंकर परी हमेशा उठाती है। हाँ रानी परी, बाल परी और भटकाती परी का डर सही है। अब सिर्फ सुरक्षा कवच से हम परिलोक की सुरक्षा नहीं कर सकते। हाँ रानी परी, हमें परिलोक को भयंकर परी से सुरक्षित करने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना ही होगा। दूसरा उपाय? हाँ रानी परी, सुरक्षा का ऐसा उपाय जिसका सामना भयंकर परी ना कर सके। हाँ, और अगर बालवीर परीलोक में ना हो तब भी परीलोक पे कोई आंच ना आ पाए। ठीक है परियों, इस बार हम परीलोक की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय निकालेंगे जिसका तोड़ भयंकर परी के पास भी नहीं होगा।
बस वो आगे मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है बस बहुत हो गया कि सच्चा और अच्छा बच्चा बनने का नाटक, अच्छा सारा ड्रामा खत्म। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी शैतान बच्चा था और शैतान बच्चा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छे बच्चों को देखते उन्हें परेशान करने की खुजली होती है, उन्हें रुलाने का मन करता है और मुझे ऐसा करके बड़ा मजा आता है और मैं आगे से ऐसा ही करूंगा। वाह वाह वाह, आपको वापस आपके रूप में देखकर ना मजा आ गया। हाँ बस हम पर ओरिजिनल पुराने पूरे बच्चे मोंटू बॉस को बहुत मिस कर रहे थे। हाँ मेरा प्यारा गोलू मोलू शरारती बच्चा, ये हमारे पुराने हाथी मेरे साथी। अब हमें विश्वास हो गया कि आप ही हमारे पुराने मोंटू बॉस हो। और देखना मैं इन को कैसे पहले जैसे परेशान करता हूँ। मामा 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 मांटी मांटू, मामा 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 मांटू, मामा 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 मांटू। हाय मानव। हेलो। क्या मानव झूला झूलने में मजा आ रहा है? हाँ। शाबाश, अब तो तुम्हें और भी मजा आएगा झूला झूलने में। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची वाणी। रोहित केवल। लेकिन मोंटू तू रोहित केवल को क्यों बुला रहा है? अरे मानव तुम्हें अभी पता चल जाएगा, तुम देखो तो सही। हे रोहित केवल, अभी पता चल जाएगा तू। रोहित केवल झूला झुलाओ। क्या बात कर रहे हो बॉस, आपको झूला झुलाना तो दूर, लेना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अरे बॉस हम पे नहीं पर इस बेचारे झूले पे तो तरस का, आप जब इस पे बैठोगे तो इसे कितना दर्द होगा, ये बेचारा कितना रोएगा। मत रो बच्चा मत रो। मेरी बात नहीं कर रहा था मैं, मानव और वाणी की बात कर रहा था। मानव और वाणी को झूला झुलाओ और ऐसा झूला झुलाओ जिन्होंने जिंदगी में कभी ना झूला हो। नहीं मोंटू हम खुद झूला झूल लेंगे। हाँ मोंटू हमें इनकी हेल्प नहीं चाहिए। पर हमें हेल्प करनी है ना। और हाँ तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो क्या कर रहा है मोंटू? ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का असली रूप है। रोहित केवल झूला झूलाओ। मानो वाणी तुम्हें से रोते हुए देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो जाने दो बॉस मत बताओ। नहीं मैं बताऊंगा, मुझे इन्हें परेशान करके कितनी खुशी हो रही है ये मुझे बताना है। लेकिन तू तो अच्छा बच्चा बन गया था ना मोंटू? हाँ लेकिन अब मैं फिर से वही मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बुरा बच्चा बन गया हूँ। ये अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में मेरी बैन बच गई, मुझे नहीं बनना ही अच्छा बच्चा, मैं बुरा बच्चा ही ठीक हूँ। और हाँ अब देखना कि तुम जैसे अच्छे बच्चों को पहले जैसे ही परेशान करूंगा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी स्टाइल में। रानी परी आपने हम सबको यहाँ बुलाया? हाँ परियों, हमने परीलोक की सुरक्षा के लिए एक अचूक उपाय सोच लिया है। ऐसा उपाय जो भयंकर परी सोच भी नहीं सकती।
ऐसा क्या उपाय है रानी परी? हाँ रानी परी, ऐसा कौन सा उपाय जो भयंकर परी के सोच के परे? जल्दी बताइए रानी परी, हम सभी वो उपाय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। परियों, हमने तय किया है कि परिलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम किसी खास सुरक्षा कर्मी को देंगे। खास सुरक्षा कर्मी? ऐसा कौन होगा? रानी परी, कहीं आप बालवीर को तो हमेशा के लिए परिलोक में रखने के बारे में नहीं सोच रही है ना? नहीं बालपरी, हम बालवीर को बच्चों से दूर कैसे कर सकते हैं? बालवीर तो बच्चों के सबसे अच्छे और प्रिय दोस्त है। तो फिर कौन है वो रानी परी जो भयंकर परी का मुकाबला कर सकता है? हाँ रानी परी, वो खास सुरक्षा कर्मी है महागजली। हाँ, सतरंगी जंगल की सुरक्षा करने वाली महागजली। रानी परी, क्या महागजनी परीलोक की सुरक्षा कर पाएगी? महागजनी शक्तिशाली और बलशाली है और हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी परीलोक की सुरक्षा कर पाएगी। लेकिन रानी परी, क्या महागजनी भयंकर परी की जादुई शक्तियों का मुकाबला कर पाएगी? सिर्फ बल ही नहीं, उनके पास जादुई शक्ति भी है और उसी जादुई शक्ति से आग के गोलों से आक्रमण भी करती है महागजनी। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी के होते हुए भयंकर परी परीलोक पर हमला करने का सोच भी नहीं सकती और हमारा परीलोक हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ऊपर क्या है? उंगली। ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी है किसकी? गजानन की। बाबूजी, गजानन की चिट्ठी है। अरे वाह, गजानन भाई की चिट्ठी। मजा आएगा। गजानन जिसके साथ मैं पला बढ़ा। अरे बाबूजी की गोद में हम लोग खेले हैं। गोद में खेले? बचपन में तू भी मेरी गोद में खेला है। अच्छा, लेकिन उन्होंने चिट्ठी क्यों भेजी है? श्वेता, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो साजी सूजी में विश्वास रखता है। मतलब सादा जीवन सुखी जीवन। अरे हाँ, गजानन ऐसे ही बोलता है। लेकिन शुभांगी भाभी ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। शुभांगी भी ऐसे ही बोलती है। पूरी बात में ये मेन बात तो बताना ही भूल गया। गजानन, उसके दो बच्चे और शुभांगी भाभी यहाँ रहने आने वाले हैं। शुभांगी यहाँ रहने आ रही है? गजानन, उसके दो बच्चे और शुभांगी भाभी यहाँ रहने आने वाले हैं। शुभांगी यहाँ रहने आ रही है? भाई काम करो, सब ठीक से। अरे क्या बात है महेश बेटा, बहु बढ़िया रंगोली बनाई है और तू खड़े खड़े दिख रहा है। इतना काम बाकी, जाके काम करो ने भाई, काम करो ने। जा। अरे अरे उधर देख, दो फूल ऐसे हो गए, उसको ठीक कर बेटा। चलो चलो, अभी बहु आती होगी, चलो तैयारी शुरू करो। चलो सब संभाल के।
खाओ लिख क्या होता है तो देखा। आजा बेटा संभाल के संभाल के। हाँ बेटा अभी वो ले क्या वो? क्या? वो गोल गोल होता है ना जिसे हम ऐसे लात मारते हैं। फुटबॉल। तेरी शादी में फुटबॉल खेला था तू? नहीं। शादी में फुटबॉल खेलता है कोई? नहीं। अरे वो क्या होता है वो गोल गोल? बाबूजी कलश कलश। हाँ कलश बेटा वो ले क्या? बोलना चाहिए ना बाबूजी। हाँ 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 लोग आ रहे हैं। आ गए आ गए। वाह वाह महेश कितनी बढ़िया तैयारी कर रखी तूने। हाँ तो तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई मेरा हक बनता है ये सब करना। सॉरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बेटा वो कलश दो ये रख दो कलश। अभी कलश को धक्का मारो। हाँ चावल नीचे गिराने। अरे की फल पहने रूप प्रवेश करना है। हाँ चप्पल निकालो निकालो चप्पल। हाँ राइट 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 लेफ्ट। अरे बेटा शादी का पहला दिन है तेरा 5-7 दिन जाने दो उसके बाद जो कर रहे करना है। अभी एक काम करो ये कलश है ना कलश को ऐसे धक्का मारो और चावल ऐसे सीधे आने सीधे। हाँ चलो शुभांगी को यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों बाबूजी? क्योंकि वो जितनी हिलती है उससे ज्यादा घर को हिलाती है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए इस बार वो हमारे यहाँ नहीं रहने वाले हैं। इस बार वो उनके घर में रहने वाले हैं। 2 दिन के बाद आएंगे तब तक मैं उनके लिए किराए का घर ढूंढ लूंगा। ढूंढ जरूर लेना बेटा। कुछ नहीं है आउट है चल अभी। नहीं नहीं चल आउट है आउट है। हाँ आउट है। मुझे नहीं खेलना। आजा नहीं खेल चल। अरे मानव वाणी तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मोंटू की वजह से। मोंटू फिर से पहले जैसा शैतान बच्चा बन गया है बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा शैतान बच्चा बन गया है। हमें मोंटू को सबक सिखाना ही होगा। हाँ वरना उसे लगेगा कि हम सब लोग उससे डर गए। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ बालवीर उसे अच्छा सबक देगा। बालवीर! 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 क्या हुआ मानव तुमने मुझे क्यों बुलाया सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर मोंटू फिर से पहले जैसे शैतान बच्चा बन गया हो तो फिर सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? मुझे तो पता था कुत्ते की पूछी दी हो सकती है लेकिन मोंटू नहीं। कोई बात नहीं अब मैं उसे सीधा करूंगा। कुत्ते की पूछ को? नहीं मोंटू को। और बालवीर इस बार तो मोंटू को अच्छा सबक सिखाना। नहीं मानव मैं उसे सजा नहीं दूंगा। का मतलब है बालवीर कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं मानव मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन मैं उसे सजा नहीं दूंगा बल्कि वो खुद अपने आप को सजा देगा। कैसे? ऐसे। बस अब देखते जा चलो। सतरंगी जंगल में पहुंच चुके हैं। रानी परी यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सब जगह रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। हाँ है बहुत ही अद्भुत है जंगल। हाँ रानी परी
ये तो बहुत ही रंग बिरंगा और सुंदर जंगल है और खतरनाक भी। परियों, हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। सावधान क्यों रानी परी? क्योंकि हम यहाँ पर महागजनी की आज्ञा के बिना आए हैं। और कोई भी महागजनी की आज्ञा के बिना इस सतरंगी जंगल में आए और यहाँ की सुरक्षा को सेन लगाए, ये महागजनी को बिल्कुल पसंद नहीं। हम जानते हैं, पर हमारा महागजनी से मिलना बहुत जरूरी है। किससे मिलना है और किससे नहीं, ये तुम नहीं महागजनी तय करेगी। परंतु हम इस जंगल के दुश्मन नहीं, मित्र हैं। हाँ, पर है जानते हम ये जंगल नहीं। हाँ, और महागजनी अपने दुश्मनों को तुरंत पहचान लेती है। तो आप हमें जल्द से जल्द महागजनी से मिलवा दीजिए ताकि हम उन्हें बता सके कि हम उनके दोस्त है, दुश्मन नहीं। महागजनी से मिलने तुम्हें इस जंगल के अंदर जाना होगा जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, जाओ, पर इस जगह से आगे तुम अपने रथों में नहीं जा सकते। ठीक है। परियों, हमें अपने रथों से उतरना होगा और हमें पैदल ही महागजनी को ढूंढना होगा। जी रानी परी। नादान परियो, तुम महागजनी को नहीं ढूंढ पाओगी क्योंकि महागजनी खुद अपने दुश्मनों को ढूंढ लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम महागजनी से बिना मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए परी। जी रानी परी। बिना आज्ञा के किसकी हिम्मत हुई सतरंगी जंगल में कदम रखने की? मैं अभी जादुई रक्षक बेलों को सतर्क कर देती हूँ। आपने ये आवाज सुनी रानी परी? हाँ, ये महागजनी की आवाज है। महागजनी की ऐसी आवाज सुनकर लग रहा है जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। और अगर ऐसा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, हमें अपना हर कदम संभाल कर चलना होगा क्योंकि हर रास्ता हमें किसी खतरे की ओर ले जा सकता है। गजनी ने करवाया होगा। कुछ कीजिए रानी परी, कुछ कीजिए। सतरंगी जंगल की सीमाओं में प्रवेश करने वाले दुश्मनों को महागजनी आज छोड़ेगी नहीं। सुरक्षा के लिए आए थे लेकिन हम सब तो स्वयं ही यहाँ फंस गए। अरे, अब पहुंचेंगे कैसे महागजनी के पास हम? आप भूल गए डूबा डूबा एक, उस पेड़ ने हमसे क्या कहा था कि महागजनी अपने दुश्मन खुद ही ढूंढ लेगी। हाँ, पर हम महागजनी को एक शत्रु की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह मिलना चाहते हैं। इसीलिए उसके आक्रमण से पहले हमें अपने आप को इन बेलों से कैसे भी करके आजाद करना ही होगा। खाओ, बहुत दिनों के बाद खिला रहा हूँ। हाँ बस, आपके पैसे का बहुत दिनों के बाद खाया। पिज्जा वाला बहुत खाओ। तुमने मुझे बुलाया माना? बालवीर, मैंने तुम्हें यहाँ पर मोंटो की शिकायत करने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या किया मोंटो ने? उसकी वजह से मुझे चोट लग गई।
ये तो मानो और बालवीर है। बॉस, मानो ने बालवीर को बुला लिया। बॉस, अब आपके साथ हमारी भी पिटाई होगी। अरे बॉस, आपको कितनी बार कहा है कि हमें सिर्फ पिज्जा बर्गर खाने का शौक है, लेकिन आप हमें सिर्फ मार ही खिलवाते रहते हो। अब चलो बालवीर के पास जाते और उसे सॉरी बोलते। बालवीर, तुम ना मोंटो को ऐसी सजा देना कि उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए, या फिर तुम मोंटो को हवा में उल्टा लटका दो। नहीं मानो, मैं मोंटो को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उस पे मेरी सजा का कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मोंटू पे मेरी सजा का कोई असर नहीं होता, तो फिर आज के बाद अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो तुम पे भी उसका असर नहीं होगा, बल्कि अगर वो तुम्हें मारेगा तो उसे ही चोट लगेगी। सच्ची बालवी, मोंटू के मार का दर्द मुझे नहीं होगा? नहीं माना, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तब दर्द होगा जब मोंटू को मार पड़ेगी। मतलब जितनी मार मोंटू खाएगा उतना ही दर्द तुम्हें होगा। लेकिन मोंटू को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर मुझे ना दर्द। अब मैं चलता हूँ मानो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। अब तो मैं टेंशन फ्री, क्योंकि अगर मोंटू मुझे मारेगा तो दर्द तो उसी का होगा। बॉस, आपका तो बैड लक भी है ना, आपकी अकल से ज्यादा खराब है। मेरी अकल है ना, खराब नहीं है, बहुत तेज है। मानो मुझसे पहले भी पीटता था और अभी भी पीटेगा, अभी बस देखो। देखा, मेरे थप्पड़ का असर उधर उधर मानो को रहा है, उसे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं। वेरी गुड बॉस, एक और थप्पड़। एक काम करो, तुम दोनों भी मुझे मारो। सच्ची? मतलब आप जैसा कहो। हाँ, आप जैसा कहो वैसा। मत मारो, दर्द हो रहा है। पुकी, तू भी मार, मार मुझे मार। नहीं नहीं मोंटू, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? अरे मार, वरना मैं तुझे मारूंगा। मार 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 मानो को कितना दर्द हो रहा है, वो रोने की जगह पे हंस रहा है। अरे बॉस, इसकी हंसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ हमारी खुशी पे ध्यान दो जो हमें आपको पीट कर मिल रही है। क्या? मानो तू ज्यादा दर्द की वजह से हंस रहा है ना? मानव अपने दर्द की वजह से नहीं हंस रहा है, बल्कि वो तुम्हारी बेवकूफियों पे हंस रहा है। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि तुम खुद अपनी पिटाई करवाओ, इसलिए मैंने ये खेल खेला। और देखो, तुम इस जाल में फंसकर खुद अपनी पिटाई करवाने लगे। याद रखो मोंटू, जैसे को हमेशा तैसा ही मिलता है, इसलिए अगली बार अगर तुमने इन बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू बालवी। चलो बच्चों। ये सतरंगी जंगल हिल रहा है, इसका मतलब है कि महागजनी हमारे पास पहुंच गई है। इससे पहले कि महागजनी हम पर दुश्मनों की तरह वार करे, कुछ कीजिए। पर हम क्या करें परियों, हमारा जादुई दंड भी इन बेलों में उलझ गया है और हम
अपने ऊपर लगी इन बेलों पर बात भी नहीं कर सकते। रानी परी, हम अपने इस जादुई डंड से अपनी बेलों पे तो वार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के बेल पे वार तो कर सकते हैं ना? ठीक कहा बाल परी, लेकिन परियों ध्यान रहे, आपके वार सीधा आपकी बेलों पर ही लगने चाहिए, वरना आपके वार से आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। जी रानी परी, हम कोशिश करते हैं। शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं, रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। सच्चाई और अच्छाई की रक्षक रानी परी और आप परियां यहाँ घने और खतरनाक सतरंगी जंगल में क्या कर रही हैं? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? क्योंकि भयंकर परी की वजह से परिलोक पे काफी खतरा बढ़ गया है। हाँ महागजनी, और हमारे द्वारा परिलोक की सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे सुरक्षा कवच वो भेद देती है और परिलोक में दाखिल हो जाती है। महागजनी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ परिलोक में चले और परिलोक के खास सुरक्षा कर्मी बनकर वहाँ का कार्यभार संभाले, ताकि फिर से वो भयंकर परी परिलोक को कोई नुकसान न पहुँचा सके। परिलोक की सुरक्षा कर्मी बनना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इस समय मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ परिलोक नहीं जा सकती और परिलोक की खास सुरक्षा कर्मी नहीं बन सकती। बापूजी, चाय। मेरे लिए भी। आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। देखो मैं किसे लाया हूँ। किसे लाया महेश? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये है गिर पड़े। वो तो दिखता है। अरे उठिए उठिए, इनका नाम गिर पड़े हैं। वो यहाँ संभाल के बैठा हो। बैठिए संभालिए। ये करते क्या है? बाबूजी ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। संभालिए। मैं तो भाई इनको कहे कि पहले अपनी इमारत संभाले। मेरे साइज पे मत जाइए, मेरे बहुत सारे घर किराए पे चढ़ाए हैं। संभालिए। पहले इनको ग्लूकोज चढ़ा ताकि ये ठीक से बैठ सके। पानी पियेंगे आप? हैं? मैं क्लाइंट के घर पे पानी तक नहीं पीता। वाह, कोल्ड ड्रिंक लाइए। हाँ, अभी नहीं। हाँ, तो कोई मकान है आपके पास? हाँ, बहुत सारे घर हैं। एक तो लोखंड वाला में है जिसके बालकनी से समुंदर दिखता है। लेकिन लोखंड वाला में समुंदर कहाँ है? करेक्ट, इसीलिए तो बालकनी के बाहर समुंदर का पेंटिंग लगाया है। जब जी चाहा खोलो दरवाजा, देखो समंदर। कहाँ से लाया ये बंदर? कुछ नहीं। ए भाई, नहीं, हमें ऐसे नकली समंदर वाला ऐसा घर हमें नहीं चलेगा। मुड़े भाई, मकान वैसे भी नहीं चलता है। महेश रॉकी, दहिसर में एक घर है। नहीं, दहिसर तो बहुत दूर है। नहीं, दहिसर नहीं भाई, मेरे दोस्त के लिए ऐसा घर चाहिए
उसके उसूलों जैसा बड़ा। और शुभांगी भाभी के दिल जैसा खुला, जिसमें मैं कभी भी आ जा सकूं। हाँ, जैसे हमारे दिल बहुत करीब है ना, वैसे हमारे घर भी बहुत करीब चाहिए, ताकि हमारे दिल में हम जैसे आ जा सकते हैं, वैसे ही घर में भी आ जा सके। अच्छा, तो आपको ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, अच्छा हो, आप एक दूसरे के पास आ जा भी सके। ऐसा घर है ना? कहाँ है? ये आपका घर? नहीं, जल्दी पर बापूजी, अरे बापूजी, बापूजी, अरे अरे आप क्यों गिर पड़े? मैं हूँ ना, गिर पड़े। हाँ देखो, उनको है ना, हमें हमारे घर में नहीं रुकाना है। ओ, I see। संभालिए, आप संभालिए, गिर रहे, बहुत गिर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ, जल्दी से जाओ और दो दिन के अंदर नया मकान ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है। गिर पड़े, कुछ नहीं, पैर छू रहा हूँ। अच्छा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है भाई। चलो आइए, संभाल के लेके जाओ। बेरंग की जहर बनाकर जहरीली माया दिखा देगी कि उसका जहर कितना कितना विनाशकारी है। बन गया वो बेरंग की जहर जो भयंकर परी को चाहिए था। अब तो उन परियों का विनाश तय है। आप इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, कुछ देर और सोच लीजिए। हाँ महागजनी, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ महागजनी, क्योंकि परीलोक को आपकी मदद की आवश्यकता है। या फिर है क्या आपको परीलोक से कोई समस्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर महागजनी, आप परीलोक के खास सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बनना चाहते? मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी। और उसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है महागजनी, चलिए। रानी परी, परियों वो है मेरे परीलोक ना जाने का कारण। ये तो कितना प्यारा है। हाँ, एकदम भोला और शरारती भी। हाँ, कितना प्यारा है। देखो देखो कैसे आनंद ले रहा है। देख के इसको कर रहा मेरा भी मन इसके साथ खेलने का। रानी परी, क्या जा सकता हूँ मैं इसके साथ खेलने को? हाँ डूबा डूबा जाइए। नहीं खेलना मुझे, बिगा दिया मुझे, जा रहा मैं। नहीं खेलना मुझे, बिगा दिया पूरा, है ये शैतान। महागजनी, आप इसी की वजह से परीलोक नहीं जाना चाहती ना? हाँ, क्योंकि ये है मेरा पुत्र गज्जू। गज्जू, गज्जू। हाँ माँ।
महागजनी, आपका पुत्र तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसके कारण परीलोक में ना आना, ये क्यों? दरअसल रानी परी, गज्जू अभी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, सतरंगी जंगल का प्राकृतिक माहौल ही उसके लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ के जैसा माहौल इसे वहाँ परीलोक में नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि गज्जू की परवरिश पे कोई भी असर पड़े, इसीलिए मैं परीलोक नहीं जाना चाहती। महागजनी, हम आपके अपने पुत्र के प्रति प्यार को समझ सकते हैं, आपकी ममता के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक गज्जू छोटा है तब तक तो आप परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकती है ना? ठीक कहा बालपरी, और जब आपको लगे कि गज्जू को उसके सही विकास के लिए सतरंगी जंगल में वापस लौट आना चाहिए तो आप लौट आइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं महागजनी। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल गज्जू का है, इसीलिए मैं अपने पुत्र गज्जू से ही पूछूंगी कि क्या वो परीलोक जाना चाहता है। क्यों गज्जू, तुम जाना चाहते हो परीलोक? हाँ माँ, मैं अपने नए मित्र के साथ परीलोक जाऊंगा। आइए भयंकर परी, आइए। ओ जहरीली माया, वो मैं भी साथ में इनके, शायद पड़ी नहीं आपकी नजर मुझ पर। शुक्र करो कि मेरी नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है ना, उसका विनाश हो जाता है, विनाश। फिर तो है अच्छा, आप देखो परी भयंकर कोई। ताबा ताबा, चुप करो जहरीली माया, मुझे उम्मीद है कि तुमने बेरंगी जहर बना लिया होगा। हाँ भयंकर परी, जैसा बेरंगी जहर आपको चाहिए था वो तैयार है। और ये इतना तेज है कि इसके दो बूंदे पूरी नदी को जहरीला बनाने के लिए काफी है। ये लीजिए। अब मैं बहुत आराम से उस नदी में जहर को मिला दूंगी और उन बेवकूफ परियों को पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही वो उस नदी का पानी पिएंगी, ये जहर उनमें समा जाएगा। अब उन सच्ची और अच्छी परियों को भयंकर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। खेलना बंद करो। मोंटू, हमें बॉल पास करना प्लीज। अरे मानव, मोंटू बस खुद आज तक कभी पास नहीं हुआ, तो बॉल क्या पास करेंगे? अरे तुम सब पिद्दी हो, गेट आउट, यहाँ हम तीनों खेलेंगे। तुम्हें खेलना है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। हाँ मोंटू, तू गोलकीपर बन जा। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी गोलकीपर, हट। मैं कैप्टन हूँ, कैप्टन, और कैप्टन का ऑर्डर है
तुम सब यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो सिंपल है, मोंटू बस गेट आउट हो जाएंगे, है ना बस। मोंटू तो ब्रिटिश लखानी को ना सुनने की आदत नहीं है। किसी को और कुछ बोलना है? मोंटू मुझे नीचे उतार दे वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बालवीर को बुलाएगा? हाँ, तो बुलो बुलो बुला बुला। ये बच्चों को कौन परेशान कर रहा है? अभी देखता हूँ। क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? बच्चों की हर परेशानी से माइटी राजू को मतलब है। हाँ, क्योंकि माइटी राजू भी बच्चों का दोस्त है। माइटी राजू, ये मोंटू हमें फुटबॉल खेलने से रोक रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ फुटबॉल खेलना है। अच्छा तो ठीक है, तुम ही खेलो यहाँ फुटबॉल, बल्कि चलो मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम फुटबॉल मेरी तरफ पास करो। Get a cup of coffee, brigadeiro toffee, for a shot of cappuccino that will make you wanna fly. Playing with Ronaldo, or with Ronaldinho. Mighty Raju, come into Rio. Mighty Raju, Rio calling. Music for the playground all around the Brasileiro. Every kind of थैंक यू माइटी राजू, तुमने इस मोंटू को अच्छा सबक सिखाया है। वैसे ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये मोंटू तो हमसे कितना ताकतवर है। हमारी असली ताकत सिर्फ हमारे शरीर में नहीं होती है बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। माय डियर राजू, ये सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं नहीं मानता, तुमने मुझे अपनी ताकत से तोड़ा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं और फिर भी तुम्हें हरा दूंगा सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। बिना छुए कभी नहीं, बल्कि अभी तो मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा। देखते हैं। केवल जा बैठ ले, क्या अब हम क्रिकेट खेलेंगे। जा हम चलो बॉस। जाओ फील्डिंग करो।
हाँ रोहित जा। अब आप जाओ। हाँ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता राजू। गए राजू जी ना काम से। मोंटू रोहित केवल चलो तीनों प्रिंसिपल के पास। सर देखा बच्चों सिर्फ अपना दिमाग लगाकर मैंने मोंटू को बिना छुए उसे उसकी गलती की सजा दिलवा दी। अब आगे तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। माइटी राजू माइटी राजू। बालवीर बच्चों सही कहा माइटी राजू क्योंकि जब तक आपके पास आपके दिमाग की शक्ति है तब तक आपको अपने आप को किसी के सामने कमजोर समझने की जरूरत नहीं। खुश रहो बालवीर खुश रहो। खुश रहो माइटी राजू खुश रहो। और हाँ मेरी गैर मौजूदगी में इन बच्चों की मदद करने के लिए और इन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का दोस्त बनकर मुझे हमेशा खुशी होती है और इसी बहाने मैं आज तुमसे भी मिल लिया बालवीर। बच्चों तुम हमेशा मेरी सीख याद रखना और 16 मई को मुझसे मिलना मत भूलना क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में माइटी राजू रियो कॉलिंग को लेकर। तो आओगे ना मुझसे मिलने। बाय दोस्तों। बापूजी ये आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। अचानक थैंक यू बापूजी। वो क्या है ना महेश घर ढूंढ रहा है गजानन और शुभांगी के लिए लेकिन सरदर्द मुझे हो रहा है। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उनके लिए घर मिल जाएगा आप फिक्र मत कीजिए ठीक है। हाँ और अगर घर नहीं मिला तो अपना घर तो है ना। शुभ शुभ बोल शुभ शुभ बोल शुभ शुभ। मम्मी वैसे हम किसके लिए घर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त और उनके परिवार के लिए। तुम्हें पता है उनके दो बच्चे भी हैं सचिन और सोनाली बिल्कुल तुम्हारी और मेहर की तरह। अरे वाह बच्चे फिर तो बाबूजी उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। क्या बोल रहा है तू। हाँ बाबूजी आजकल आपको सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। रॉकी बाबूजी महेश नमस्ते बाबूजी। अच्छा तू नीचे हाँ गिर पड़े ना भाई घर मिला। हाँ मिलेगा क्यों नहीं बहुत घर देखे। वाह लेकिन इनको पसंद नहीं आया। बाबूजी फोन आ रहा है फोन। आ तो उठा लेकिन ये उसे गिरने दे। नहीं मेरा चलता रहेगा आप उठाइए। गजानन का फोन है। हाँ गजानन वही तुझे ही याद कर रहे थे बड़ी लंबी उम्र है। फोन की ए, तेरी तेरी लंबी उम्र है। अच्छा महेश मेरे लिए घर तो ढूंढ लिया ना तूने। अरे हो जाएगा हो क्यों नहीं जाएगा हमारे साथ गिर पड़े हैं। हो जाएगा। मुझे पता था महेश तू मेरे लिए घर ढूंढ ही लेगा। अब हम सब लोग कल आराम से आ सकते हैं। क्या कॉल आ रहा है कॉल क्यों नहीं क्यों 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 नहीं। अरे भाई तू मेरा दोस्त है तू कभी भी आ सकता है। लेकिन तू तो परसों आने वाला था। अरे नहीं महेश तू अपनी वहिनी को तो जानता है। अरे उसने चिट्ठी में गलत तारीख लिख दी थी। हम सब लोग तो कल ही आ रहे हैं ओके। हाँ, मैं तुझे स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक ठीक
बापूजी, गजानन उसका परिवार कल ही आ रहा है और हमने अभी तक घर भी नहीं ढूंढा है। हमने नहीं, तूने। मुझे क्या देख रहा है, इतने जल्दी घर मिलेगा भी नहीं। हे भगवान, बापूजी अब तो उन्हें हमारे घर ही लाना पड़ेगा। क्या जहरीली माया, तुम्हारे इस जहर को परिलोक की नदी में मिलाने से पहले मैं उसका परीक्षण करना चाहती हूँ। क्यों भयंकर परी, आपको जहरीली माया के जहर पर भरोसा नहीं? नहीं, 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 नहीं ऐसी बात। भरोसा है जहरीली माया, मुझे तुम्हारी कला पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहती। हाँ, ठीक है भयंकर परी, आप इस जहर को पानी के इस कुंड में डालकर देख सकती हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वाह जहरीली माया, तुम्हारा बनाया हुआ जहर तो वाकई बेरंगी। भयंकर खुश हुई। ओ परी भयंकर, हे आप बड़ी भोली। माना माना कि है ये जहर बेरंग, पर असरदार तो है ना। पता चला कि है वही बेकार। तो ठीक है, इसका भी परीक्षण कर लेते हैं। तो, पर इसका परीक्षण कैसे होगा? इसका परीक्षण तौबा तौबा करेगा। हाँ, तौबा तौबा। तौबा तौबा। अरे, एकदम बढ़िया। परी भयंकर, है ये जहर एकदम बढ़िया। अरे, हूँ मैं जानता। अच्छा, तो मैं ये बात कैसे मानूं? पानी पियो, तौबा तौबा। परी भयंकर मान गई आप तो पूरा। अरे जहरीली माया का जहर हो सकता है कभी बेकार? कभी नहीं। पानी पियो, तौबा तौबा। परी भयंकर सोचिए, नहीं मिलेगा आपको ये कीमती हीरा पूरी कायनात में। चलो श्री श्री तोबा तोबा जी, अलविदा। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी तोबा तोबा। पर मैं परियों के साथ कोई मजाक नहीं करूं। ये बेरंगी जहर मैं परिलोक की नदी में मिलाकर उन सारी परियों को बेकार कर दूंगी। बेकार। भाई साहब, नासिक रोड वाली बस आ गई। गजान, 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 गजान।
सचिन। अरे सचिन, सचिन कितना बड़ा हो गया सालो। ठीक है सॉरी भाभी, सॉरी, नमस्ते। देखा गजानन, मैंने कहा था ना मैं तुझे लेने आऊंगा, मैं आ गया। मुझे पता था महेश, मुझे पता था एक ना एक दिन तू मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। और मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन मेरे यहाँ जरूर आएगा। कैसी है वहनी आप? और सचिन सलोनी टैक्सी में रख दू? सचिन सलोनी को समान। कितना हुआ? 300 रुपए। 300? एक मिनट भाई साहब, बिल्कुल गलत। आपको जोका वोका करना चाहिए। जोका वोका? अरे जो कहा वही करना चाहिए ना महेश। इन्होंने मुझसे अंदर क्या कहा था कि 285 रुपए लेंगे। हाँ? अब यहाँ बाहर आकर कह रहे 300 रुपए लेंगे। गलत है कि नहीं है? गलत, बिल्कुल गलत है। फिर? अरे साहब, सामान भी तो ज्यादा है। अगर भाई ज्यादा सामान, सिर्फ 3 हैंडबैग, 2 ट्रॉली और 2 सूटकेसी तो है। आपको पता है लोग बस में सफर करते हैं तो कितना सारा सामान लेके जाते हैं। अरे पूरा का पूरा घर लेके जाते हैं। देखिए भाई साहब, आपको भी सजी सुजी वापरना चाहिए। सजी सुजी? सच्चा जीवन, सुखी जीवन। अरे साहब, आप भी जोते जाते वापरो ना। मतलब जो देना है जल्दी दे दो साहब, धंधे का टाइम है। ये हो गए 285 रुपए। चलो साहब, चलो 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 आए बच्चे। महेश, तूने मेरे लिए घर तो देख लिया है ना? घर ना? अरे तू क्यों फिकर करता है? तू चाल, घर है अपना। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे अपने ही घर ले जा रहा हूँ।